और सहायक शिक्षक भर्ती में एनआईओएस कोर्स को अपात्र करने की मांग को लेकर डीएड बीएड संघ ने इंद्रावती भवन का घेराव किया है और संघ ने विरोध करते हुए कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। राज्य के सभी जिलों से रायपुर पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रास्ते में रोक लिया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने 18 महीने का ये कोर्स उन शिक्षकों के लिए आयोजित किया था जो कि अप्रशिक्षित हैं, उसकी वजह से पूर्व में डीएड बीएड किए लोगों को नुकसान होगा। डीएड बीएड के संघ के लोग यहाँ पे इंद्रावती भवन का घेराव करने पहुंचे हैं, क्या कुछ मांग है उनसे ही सीधा ही चर्चा करते हैं हम। आप लोग यहाँ आज पहुंचे हैं, क्या मांग है आपका? हमारा प्रमुख मांग यही है कि छत्तीसगढ़ में अभी अभी भर्ती निकली है, लगभग एक साल हुआ है, नियमित शिक्षकों की भर्ती निकली है और इस भर्ती में सरकार के द्वारा लगभग 16 लाख लोगों को जो प्राइवेट स्कूल में और सरकारी स्कूलों में पढ़ाते थे, जिनको जो ट्रेनिंग नहीं लिए थे, डीएड डीएलएड का ट्रेनिंग नहीं लिए थे, उनको सरकार के द्वारा एक साल में ट्रेनिंग दिया गया और जो कोर्स हम दो साल में पूरा करते हैं वो कोर्स महज संडे संडे का क्लास लेकर उनको दिया गया और इस भर्ती में उनको सरकार के द्वारा मान्यता दी जा रही है। तो हम इसी के विरोध में आज यहाँ खड़े हुए हैं कि जो एनआईओएस के द्वारा जितने भी प्रशिक्षार्थी हैं जिनको डीएलएड का कोर्स कराया गया है उनको यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती में मान्य न किया जाए। कितने सालों से संचालित है ये कोर्स छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में ये कोर्स पहली बार करवाया गया है, वो भी केंद्र सरकार के द्वारा, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके द्वारा करवाया गया था और लगभग उस समय हमारे प्रदेश में डीएड बीएड डिग्रीधारियों की संख्या लगभग 70,000 थी, परंतु जब सरकार के द्वारा ये किया गया तो ये संख्या बढ़कर 1.5 से 2 लाख हो गई है। किस तरह का नुकसान होगा ये अगर लागू हो जाता है, मान्यता तो दे ही दी है? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो हमारे साथी हैं, जो आप समझते होंगे कि जो डीएड बीएड के साथी हैं बहुत गरीब परिवार से रहते हैं, है ना, तो ऐसा होता है कि भाई वो लोग 60-70 हजार रुपए, लाख रुपए खर्चा करके पढ़ाई करते हैं बाहर रह के, और यहाँ पे ये जो लोग हैं ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहाँ की तनख्वाह भी ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद उनको ये डीएलएड का कोर्स भी करवाया जा रहा है ना, तो ये तो हमारे साथ सरासर अन्याय हो रहा है जो लोग रेगुलर पढ़ाई की है डीएड की। और क्योंकि जो वैकेंसी आई थी उसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि 24 महीने का कोर्स होना चाहिए, और क्योंकि ये जो एनआईएस द्वारा जो डीएलएड कराया जा रहा है एक 18 महीने का कोर्स है, ये छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, जो कि ये केंद्र सरकार, मतलब इसको रमन सिंह जी के जो शासन काल था उस समय पे ये कराया गया है जानबूझ के कि अप्रशिक्षित जो लोग थे उनको प्रशिक्षित कर। तो अभी आपने उन परीक्षार्थियों को सुना जिन्होंने साफ मानना है कि ये अवैध रूप से किया जा रहा है और इसको बंद करने की वो मांग कर रहे हैं, अब देखना ही होगा ये बंद होता है कि नहीं। चंद्र नागलकर के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। एक दिन की बारिश से राजधानी के